Hi friends, good morning. आज एकदम बेट से ही ब्लॉग स्टार्ट. एक्चुअली मैंने तो बहुत पहले उठ गई थी और उठकर मेरे इधर काम कर रही हूँ. फिर एक बार किचन भी जा चुकी हूँ. किचन का कुछ बिहार का खाना के प्रिपरेशन, ब्रेकफास्ट के प्रिपरेशन, फिर कुछ कुछ प्रिपरेशन सुबह सुबह उठकर मुझे पहले पहले करना था. फिर मैं खुद पानी पीती हूँ, सब करके फिर वापस आकर बेड पे बैठे बैठे काम कर रही हूँ और वेट कर रही हूँ मेरे राजकुमार कब उठेंगे. अभी तक अच्छा थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रहे हैं अभी. हेलो, गुड मॉर्निंग विहान. हेलो, गुड मॉर्निंग. Okay, let's go to kitchen. Okay, come on. तो अभी हम माँ बेटे आ चुके हैं नीचे किचन पे और सबसे पहले हम करने वाले हैं क्योंकि आज है ट्रैश डे. इसलिए हम ट्रैश कैन को सबसे पहले बाहर निकालेंगे, फिर हमारा दूसरे मॉर्निंग के काम स्टार्ट करेंगे. ओके, तो चलो ट्रैश देकर आते हैं. इधर देखो एग रख दिया बॉयल करने के लिए क्योंकि एग करी करना है. आज अंशुमा तो घर पर नहीं है तो थोड़ी सी काम चोरी करूँगी क्योंकि अंशुमान घर पर नहीं रहता ना तो उतना खाना बनाने का मन नहीं होता है. तो इसलिए मैं बहुत सारी एग एक साथ बॉयल कर रही हूँ तो इसको करी बना लूँगी मैं, सिंपल एग करी जो होता है. तो आज कल अंशुमान कल रात को आएगा, फिर मतलब फ्राइडे मॉर्निंग से आप उसको देख पाओगे. तो कल बहुत रात हो जाएगा आने में. कभी कभी हम व्हाट हैपेंड सो भी जाते हैं कभी कभी, उसके लिए वेट भी करते हैं. तो पता नहीं कल क्या करूँगी, डिपेंड करेगा विहान के ऊपर और मैं कितना टायर्ड हो जाती हूँ उसके ऊपर. तो अगर मैं नहीं सोती हूँ तो ज़रूर आपके साथ मिल पाऊँगी. तो इसलिए मुझे आज एक बार बना कर रख दूँगी आज, और कुछ नहीं बना और कुछ भी नहीं बनाना है और कल भी नहीं बनाना है. एकदम फ्राइडे जाकर मैं खाना बनाऊँगी विहान के लिए, सिर्फ बनाऊँगी. तो उसके लिए मैं आज तो ये फ्रेश खा लेगा और इसके साथ मैं एक जो ग्रीन कलर का जो मूंग दाल आते हैं ना, ग्रीन ग्राम मूंग दाल जिसको बोलते हैं, वो बनाने वाली हूँ. तो आज तो रिहान का हो जाएगा इससे ही लंच डिनर दोनों. कल उसके लिए कुछ वेजिटेबल मैं बॉयल कर लूँगी या कुछ खिचड़ी बना दूँगी, ऐसा कुछ कर लूँगी उसके लिए सिंपल. मेरे लिए बस यही सब चलेगा. फ्राइडे जाकर खाना बनाऊँगी और नहीं खाना, मतलब अंशुमान घर पर है नहीं ना तो
उतना खाना क्योंकि बनाने का भी मन नहीं है। मुझे और बहुत सारे काम पेंडिंग है, वो सब ख़त्म करना है। तो लेफ्ट ओवर तो चलता है, एक दिन का लेफ्ट ओवर चलता है कभी कभी, है ना। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी बना रही हूँ दोनों के लिए। ऐसे तो बिहान का गर्म पानी पीने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो विंटर है ना, तो नल की पानी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए थोड़ी सी गर्म करके देती हूँ ना तो पी लेता है। ये देखो मैं डालिया को सिंपल पानी से बॉयल कर लिया। सुबह आकर मैं इंस्टेंट पॉट में इसको बॉयल करने रख कर चले गए थे। आज बहुत सारी तरीके से मैं बनाती हूँ, पर आज एकदम सिंपल सा बनाऊँगी, माँ बेटे सिंपल सा बनाकर खा लूँगी। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी घी दूँगी, और घी में बस थोड़ी सी हल्दी और जीरा और हींग और थोड़ी सी क्या दूँ, धनिया और जीरा पाउडर दे देती हूँ, तो उससे थोड़ी ये कर लूँगी सॉटे करके, फिर ये मिलाकर बस रेडी हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। मैं ना मेरे रेसिपी कुछ सेट होता है नहीं होता है, मतलब फिक्स्ड वही इसी तरह के से ये जिसको बनाना है ऐसे ऐसे नहीं बनाती हूँ, पर किसी को फॉलो करके बस वो जो जो डाली मैं वही डालूंगी, ऐसे नहीं करती हूँ। मेरे हमेशा ज़्यादातर ये रहते हैं हाथ के सामने जो चीज़ अवेलेबल रहते हैं जल्दी जल्दी में मैं उससे खाना बनाकर भाग जाती हूँ, और उससे ही एक रेसिपी हो जाती है, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं तो फिर बाद में दोबारा उसको बनाती हूँ। तो मेरे हमेशा ज़्यादातर ये चलते हैं हाथ के पास जो होता है, तो एक ही खाना को मैं एक एक दिन एक एक टेस्ट हो जाती है, एक दिन एक एक चीज़ जो मेरे मुझे दिल करता है, जो जिस दिन देना जो मसाला देना दिल करता है वो डाल देती हूँ। इस ये चीज़ इससे ही बनता है, इस मसाला ही देना है, मैं ऐसा रूल्स नहीं फॉलो करती हूँ। मेरे सासू में ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, वो चीज़ नहीं होगा तो खाना नहीं, वो चीज़ नहीं बनेगा। उनको जो जो चीज़ से वो सब बनाना है, अगर एक मसाला मिसिंग होता है, एक चीज़ घर में नहीं होता है, मानो लहसुन नहीं होता है, या मानो जीरा पाउडर नहीं होता है, या मानो हींग नहीं है, मतलब एक छोटी सी चीज़ भी नहीं है तो वो नहीं बनेगा। मेरा ऐसा नहीं है, मेरा जो अवेलेबल है हाथ के सामने वो देती हूँ, और उस चीज़ में उस रेसिपी में जो जो मसाला पड़ता है हमेशा वो भी देती हूँ, ऐसा भी नहीं है। जो मेरा दिल करता है जिस दिन मैं ऐसे दे देती हूँ। तो आज मैं एकदम सिंपल सा बस धनिया जीरा पाउडर चॉप में दे दूंगी, और थोड़ी सी घी में जीरा और हींग देकर बस खा लूंगी। ऐसे सिंपल भी बहुत टेस्टी होता है, ऐसा नहीं ये वाला मैं पहली बार बना रही हूँ, बहुत बार बना चुकी हूँ। थोड़ी सी मैं मेथी और काली जीरा भी दे दूंगी, ये डालिया के साथ ना मेथी मुझे बहुत अच्छी लगती है। व्हाट आर यू डूइंग बेबी? इसमें ना पानी थोड़ा कम हो गया था, मैं जब बॉइल के लिए थोड़ा टाइट हो गया इसमें, और मैं बहुत सुबह सुबह करके गई थी, आज भी हम थोड़ा देर से उठा क्योंकि
थोड़ी सी जम भी गया है उसके लिए, ठंड हो चुके हैं ना इसलिए। कोई नहीं, अभी पानी से थोड़ी ये कर लूंगी ना, ठीक हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी गर्म पानी है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। भी देखती हूँ कारण मेरे काड़ी पत्ता गाछ में ना छोटे छोटे कीड़े हो चुका है ठंड की वजह से, तो अंशुमान ने कुछ उसका ट्रीटमेंट किया और बहुत सारी तोड़ के रख गया है एक बोल में। तो जब किया था, मैं नहीं थी इधर, तो ऐसे रख कर चले गए। मुझे पूछना है उनको फोन में जे ये मैं यूज कर सकती हूँ फेंकने के लिए। मैं रोज सोचती हूँ, मैं पूछूँ उनसे, बस भूल जाती हूँ। वो भी बहुत बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहती हूँ, तो हमारा फ़ोन पे भी बात बहुत कम होता है, कम टाइम के लिए। वो जब भी फ़ोन करते हैं उनको टाइम नहीं होता है थोड़ी सी, वो ज़्यादातर बिहान के साथ ही बातें करते हैं, तो मेरे साथ ऐसा उतना बातें होते नहीं है, और जितना भी होते हैं मैं उसमें भूल जाती हूँ। और बिहान तो शांति से कुछ बातें करने भी नहीं देते, वो फ़ोन ले लेता है मुझसे, उसको बात करना होता है हमेशा, उसका इतने सारी बातें होते हैं ना। भूल गई जीरा और धनिया पाउडर देने आपके साथ बातें करते करते। कोई नहीं, मैं फ्राई करके ना रख देती हूँ, तो फ्राइड है मेरे पास, मतलब सूखी जीरा धनिया को पाउडर करके मैं डिब्बी में रख कर फ्रीज में स्टोर कर लेती हूँ। बहुत सारी ऐसे मसाला मैं बना कर रखती हूँ, कभी एक दिन शेयर करूँगी मेरे मसाला के कलेक्शन, मैं क्या क्या बना कर रखती हूँ, ठीक है। तभी वो दे देती ऊपर से, वो भी कम चल जाएगा, वो अच्छा भी होगा। इससे और ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे होता है मेरे साथ, अभी कैमरा में बात कर रही हूँ इसलिए मैं भूल गई, कभी कभी बयान की वजह से भूल जाती हूँ, तो आजकल मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो कोई नहीं, और इससे और भी ज़्यादा टेस्टी होगा, क्योंकि ऊपर से दे रही हूँ ना मसाला, तो अभी मसाला का फ्लेवर ज़्यादा आएगा। और ऐसे गलती करके ना, मैं बहुत सारी खाना ऐसे होता है गलती करके बनाया, फिर वो ज़्यादा टेस्ट हो गया। आजकल बहुत ऐसे होता है, फिर अंशुमन बोलते हैं फिर तुम गलती करके ही करो चीज़ें। क्या हो गया अभी है, देखो ऐसे ही मैं खाना बना रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, पीछे से आकर ऐसे खींचेगा, हमेशा उसको अटेंशन चाहिए होता है। वो कुछ कर रहा है ना, वो मुझे दिखना पड़ता है। वो क्या कर रहा है मम्मी को हमेशा दिखाना है उनको। तो ये मैं वापस आकर रखूंगी, पहले बेटे को देख कर रहते हैं। चलो अब भी चलो देखते हैं क्या दिखाएंगे। क्या है? फ्रूट्स है। फ्रूट्स की व्हाट हैपेंड? स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये थे। ओह स्क्वायर, या फ्रूट स्क्वायर। तो व्हाट टू डू नाउ बेबी? स्टिक ऑन इट लाइक ही इज। ओके, ये पापा से दिखाना, ठीक है? तो पापा कुछ इसके लिए सोल्यूशन निकालेंगे। ओके ठीक है, आर यू सेटिस्फाई? हाँ ठीक है बाबा, ठीक है ना? ओके नो वरीज। इसको बस पूरा दिन मम्मी के साथ खेलना है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी हम इसको स्कूल में डालेंगे। तो मैं पूछती
स्कूल जाना है? नहीं स्कूल नहीं जाना है पूरा दिन। What happened? Ouch! हो गया तो ब्रेकफास्ट खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं। बोल से पढ़ जाओ चेयर टेबल बोल से पढ़। अंशुमन जो चीज लाते हैं ना इतना ज्यादा लाते हैं शॉपिंग के टाइम में, जब ग्रोसरी शॉपिंग के या सब्जी वगैरह खरीद के, अगर मैं नहीं जाती हूँ वो जाते हैं, एक ही चीज इतना सारा ले आएंगे। मैं लास्ट वीक नहीं गया, लास्ट वीकेंड में सब्जी लेने, तो और विहान गए थे, वो मशरूम लाए इतने बड़े बड़े दो बॉक्स लाए, टू टाइम्स बना चुकी हूँ, और भी एक बॉक्स अभी है। कल सोच रही हूँ एक मशरूम से एक ब्रेकफास्ट बना लूंगी, देखती हूँ काल बनाती हूँ या उष्मा आने पर बना दूँ, क्योंकि वो बना ब्रेकफास्ट बनाने के बाद भी और एक दिन उसका सब्जी बनाना पड़ेगा, तो मैं भी सोच रही हूँ काल ब्रेकफास्ट बनाऊँ और उष्मा आने पर उसका सब्जी बनाऊँ, देखते क्या करते हैं। अब पहले उसको चेक करना पड़ेगा, वो अगर ठीक रहता है तो और भी चार पाँच दिन, तो ब्रेकफास्ट में उष्मा आने के बाद ही बनाऊँगी, और नहीं तो काल बना लूँगी दोनों के लिए। ठीक है तो चलिए रात करते हैं। आप बताओ रोज रोज एक ही चीज खाने का मन होता है? मशरूम इतने सारा मशरूम लाया, पूरा हफ्ता माँ बेटे को मशरूम ही खाने, और हम दोनों का ही है, वो तो थोड़ी सी वेजिटेबल खाते हैं विहान, और मैं कितना खाती हूँ अकेले जान, और इतना सारा लेकर आ जाएंगे। एक ही चीज रोज एक ही चीज खाना पसंद होता है, किसको पसंद होता है और उनको कौन समझा है? उनको ईजी रहता है ना, क्योंकि वो तो इंडियन सब्जी मार्केट नहीं गए, ऐसे ही यहाँ लोकल मार्केट चले गए, तो लोकल मार्केट में हम लोकल मार्केट मतलब यहाँ की अमेरिकन सब्जी खाते हैं मिक्स करके, दो चार इंडियन खाते हैं तो उसके में एक अमेरिकन चीज़ें खाते हैं, रोज ये सारे अमेरिकन चीज़ खाया नहीं जाता है, तो इसलिए अगर यहाँ की कुछ सब्जी लाते हैं तो एक दो चीज़ लाते हैं, तो सारे पूरा सेवन डेज के लिए सेवन टाइप ऑफ चीज़ जो अमेरिका नहीं लाते हैं, तो इसलिए जुकी नहीं लाए थे और कुछ नहीं लाए, तो मशरूम तो यहाँ के लोग भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, मशरूम तो कॉमन है और मशरूम मेरे फेवरेट भी है, तो उन्होंने अमेरिकन शॉप में मशरूम मिल जाते हैं तो मशरूम लिया, तो इतना सारा मशरूम लिया। जुकीनी तो भी ठीक है, जुकीनी दो टाइम बना सकती हूँ, पर मशरूम देखो दो बार बना चुकी और भी दो बार बनेगा, एक ही हफ्ते में चार चार बार मशरूम कौन खाता है बोलो। और अभी मैं देखती हूँ अगर वो नेक्स्ट वीक तक रहेगा तो इस वीक में और नहीं बनाऊंगी, अंशुमन आने के बाद वीकेंड में एक दिन बना लूंगी और नेक्स्ट वीक तक कुछ बनाऊंगी। मुझे बहुत गुस्सा दी थी इसलिए मैं जाती रहती हूँ सब्जी मार्केट पर, हमेशा होता नहीं है, आजकल मैं थोड़ी से ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत सारी कुछ एक सब चल रहा है मेरे साथ, तो और कभी कभी होता है वो दोनों ऐसे बाहर खेलते हैं वहाँ से चले जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी ड्राइव करके आकर बोलकर चले जाते हैं, फिर थोड़ी सी पाँच मिनट के लिए जाकर दो तीन घंटा बिता कर आ जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। कभी कभी मुझे दोनों बाप बेटे बोलते भी नहीं है वो शॉपिंग जा रहे हैं, बस ऐसे घूमने चले जाते हैं फिर शॉपिंग करके आ जाते हैं, तो ये सब आजकल चल रहा है बस और क्या। तो चलो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुके हैं, तो सिंपल सा है एकदम, पर कभी कभी ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट भी बहुत यम्मी लगता है, तो आज ये ब्रेकफास्ट हमारे लिए बहुत यम्मी है, तो मैं ना इसके मेरे वाले में नहीं डालूंगी, बिहान के वाले में थोड़ी उसके चीज डाल दूंगी, मैं ऐसे चीज का शीट लाकर रखती हूँ, तो उसका किसी किसी खाने में मैं डाल देती हूँ, तो चीज बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, तो थोड़ी सी उसके खाने में चीज का फ्लेवर होता है ना तो उनको पसंद आता है।
चलो भाई जल्दी जल्दी लंच खा लेते हैं, अभी बहुत ज्यादा भूख लग गए हैं। और आपसे मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।